इसीलिए जब हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं, 26 की बात करते हैं, तो आगे कुआं पीछे खाई। जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, आगे पहाड़ हैं और नीचे बाढ़ है। फ्री नहीं है रिलीजन, राइट टू रिलीजन पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 अकेला ऐसा आर्टिकल है जो प्रोविजो से शुरू होता है, या कहिए एक्सेप्शन से शुरू होता है। हर प्रोविजन में, चाहे आर्टिकल 19 है, चाहे 15 है, 14 है, देखेंगे प्रोविजो बाद में आते हैं, एक्सेप्शन बाद में आते हैं, लेकिन आर्टिकल 25 में पहले आया है, तब धर्म आया है, वो भी सीमित तरीके से। तो सबसे पहले क्या आया है? सब्जेक्ट टू। ध्यान रखिए आर्टिकल 25 में राइट अगर आप यूज करेंगे तो कब करेंगे? जब सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर पर्संस, इतना इंश्योर करके तब आप चाहे पूजा करें, चाहे प्रोसेशन निकालें, चाहे दशहरा हो, चाहे दिवाली हो, या चाहे मुहर्रम हो, कोई भी हो, कोई भी रिलीजियस अफेयर है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड राइट्स ऑफ दी अदर पर्संस को इंश्योर करके तब आर्टिकल 25 दिया गया है। पढ़िएगा जरूर इस आर्टिकल को। अब इसके नीचे भी क्या है? इसके नीचे मैंने कहा आगे पहाड़, नीचे बाढ़। तो बाढ़ क्या है? ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगा ही दिया गया है, आप निकल ही नहीं सकते। जैसे आर्टिकल 19 में आप बोल सकते हैं, लेकिन सरकार आपके मुंह पर ताला लगा सकती, बस बहुत हो गया, मत बोलो। लेकिन आर्टिकल 25 में सरकार आपको पूजा करने ही नहीं देगी अगर इट इज अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, हेल्थ एंड इन वायलेशन टू दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ दी अदर पर्सन। अब नीचे क्या है? नीचे लिखा गया है कि जो लॉ एग्जिस्ट करता है वो, या जो लॉ स्टेट बना सकती है, बनाएगी, अगर उसका नेचर ऐसा है जो उन रिलीजियस मैटर को रेगुलेट करने के लिए हो, कंट्रोल करने के लिए हो, जो देखने में रिलीजन लगे, रिलीजियस लगे, लेकिन हो सेकुलर। तो सेकुलर नेचर के, फाइनेंशियल नेचर के एस्पेक्ट्स को स्टेट मतलब गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। तो ऊपर तो आप एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, अगर करेंगे भी नीचे सरकार फिर बैठी हुई है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो मंदिर हो, मस्जिद हो, गवर्नमेंट टोटली कंट्रोल कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, यहां तक कि तोड़ भी सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में, सेक्युलर एक्टिविटीज के लिए। अगर कोई मंदिर है, रोड जाम कर रहा है, सरकार तोड़ेगी, क्योंकि वो पब्लिक ऑर्डर, सड़क जाम करेगी। अगर कोई ऐसा मंदिर है जिसमें ऐसा चीज यूज कर रहे हैं जो दमा के रोगी के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, सरकार उसको रोक सकती है। आपको मंदिर में फूल ले जाने से रोक सकती है, नारियल ले जाने से रोक सकती है। अभी कोविड में हमने देखा, 19 में लगभग बंदी हो गए थे। तो स्टेट का बहुत राइट है, अनरिस्ट्रिक्टेड राइट है, रिलीजन का कोई ज्यादा रोल स्टेट के सामने नहीं है। स्टेट बड़ा है, रिलीजन बहुत कम है। जो लोग पी लेते हैं ये हमारा धार्मिक मैटर है, वो धार्मिक मैटर है, कुछ धार्मिक नहीं है। एवरीथिंग इज कस्टम, कस्टमरी लॉ है, और आर्टिकल 13 क्लास 3 में वो कस्टम या यूसेज होता है और स्टेट कंट्रोल कर सकती है। कल इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू।